कर्नाटक के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के डिस्कशन सीरीज के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। ये आखिरी पार्ट या पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लोग कमलापुर रेड बनाना, सांदूर लैम्बनी एम्ब्रॉयडरी, बैदागी चिल्ली, उडुपी मट्टू गुल्ला ब्रिंजल, किनाल टॉयस, बैंगलोर ब्रू ग्रेप्स, बैंगलोर रोज ओनियन, गुलेगुड खाना, उडुपी सारीस, कुर्ग अरबिका कॉफ़ी, चिकमगलूर अरबिका कॉफ़ी, बाबा बुदानगिरी अरबिका कॉफ़ी, सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तोर दाल के बारे में डिस्कशन करें। कमलापुर रेड बनाना की ओरिजिन कमलापुर टाउन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है। ये फेमस इसलिए है कि इसका फ्रूट का कलर रेड रहता है। ये फ्रूट जब पक जाता है रेड दिखता है और इसका पल्प क्रीम कलर का रहता है। इसका टेस्ट स्वीट है और गुड फ्लेवर के साथ आता है। इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। येलो बनाना के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है। सांदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, इसकी ओरिजिन कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। लंबानी या बंजारे राजस्थान के मारवाड़ से दक्कन में औरंगजेब के समय माइग्रेट होकर आ गए थे। अभी भी लंबानी महिलाएं इस आर्ट का प्रैक्टिस करती हैं। ये एक यूनिक मिरर एंड एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है जो उनके पारंपरिक वस्त्रों में वो यूज करती हैं। इस काम में एप्लिक और पैच वर्क का भी उपयोग होता है। बैदागी चिली एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है धारवाड़ और गडक डिस्ट्रिक्ट में। इसका कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कम से कम 200 साल पुराना है। ये रेड कलर का है और इसका कलर वैल्यू हाईएस्ट है। इस रीजन में पाए जाने वाले वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, वार्म ह्यूमिड कंडीशन, 20 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर और 500 से 800 मिलीमीटर की पर एनम बारिश इसके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। इस चिली में पंजेंसी लो है और ये स्वीट फ्लेवर के साथ आता है। उडुपी मट्टू गुल्ला ब्रिंजल, इसकी ओरिजिन मट्टू गांव उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका से हुई है। इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये फल गोलाकार सेब के हैं। इसमें हल्के हरे कलर के या सफ़ेद रंग के स्ट्राइप्स दिखाई देते हैं। इसके स्टॉक में छोटे स्पाइन्स हैं। इसका स्किन बहुत ही पतला है। ये बहुत ही कम एस्ट्रिजेंट और यूनिक फ्लेवर के साथ आता है। उडुपी में होने वाली 3900 से 4300 मिलीमीटर प्रति एनम की बारिश और स्लाइटली एसिडिक सॉइल और क्ले लोम सॉइल इसके लिए बहुत ही फेवरेबल है। किनाल टॉयस, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के किनाल टाउन के आसपास इसकी ओरिजिन है। इसको बनाने वाले एक संप्रदाय को चित्रगार्स बोला जाता है। चित्रगार्स संप्रदाय नॉर्थ कर्नाटक के बेल्लारी और कोप्पल रीजन में रहते हैं। इन खिलौनों को बनाने के लिए सॉफ्ट एंड लाइट वुड का इस्तेमाल किया जाता है। इस खिलौने को बनाते वक्त कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सारे के सारे हैंडमेड हैं। इसमें नेचुरल और वेजिटेबल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर जितना पुराना है। बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स, ये बेंगलोर की रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में कल्टीवेशन की जाती है। इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में है 1912 से। ये एक स्मॉल साइज का डार्क पर्पल ओवॉइड शेप का सीडेड और थिक स्किन वाला ग्रेप है। इसका पर्पल कलर और प्लीजेंट फ्लेवर जूस है। बेंगलोर रोज ओनियन, इसकी ओरिजिन कोलर और बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक गोलाकार शेप का डीप स्कारलेट रेड कलर का हाई पंजेंसी वाला ओनियन है। इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है। दूसरे ओनियन वेराइटीज़ के मुकाबले में इसमें ज़्यादा TSS, प्रोटीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैरोटीन पाया जाता है। गुलेगुड खाना, इसकी ओरिजिन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से हुई है। वीविंग यहाँ की एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है। नॉर्थ कर्नाटक की महिलाएं और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के महिलाएं इसको ब्लाउज मटेरियल के हिसाब से यूज करती हैं। इसका कम्बिनेशन इल्कल साड़ी से की जाती है। इसके रॉ मटेरियल सिल्क और कॉटन है। उडुपी साड़ीज की ओरिजिन उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। ये 19वीं शताब्दी से कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कॉटन यान और आर्ट सिल्क यान का यूज किया जाता है। इसमें बट डाइस का भी यूज किया होता है जिससे जल्दी कलर नहीं छूटता। कुर्ग अरबिका कॉफ़ी, ये कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करी जाती है। कुर्ग के क्लाइमेट की वजह से इसको एक यूनिक एरोमा और फ्लेवर मिलता है। कुर्ग के इकोनॉमी में अभी भी
कुर्ग अरबिका कॉफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिकमगलूर अरबिका कॉफ़ी की स्पेसिफिकली चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही ग्रो करी जाती है। बाबा बुदान गिरीस अरबिका कॉफ़ी, ये भारत में कॉफ़ी के जन्म स्थान के हिसाब से जाना जाता है। बाबा बुदान गिरी हिल्स भारत में कॉफ़ी का जन्म स्थान है। ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसको सिलेक्टिवली हैंड पिक किया जाता है और नेचुरल फर्मेंटेशन से ये कॉफ़ी बनती है। इसमें माइल्ड फ्लेवर, एसिडिटी, एरोमा और कुछ चॉकलेटी नोट्स होते हैं। सिरसी सुपारी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करी जाती है। ये एक मीडियम साइज का राउंड शेप का सुपारी है। इसका एक यूनिक टेस्ट है। भारत में ग्रो करे जाने वाली अलग सुपारियों के मुकाबले इसका केमिकल कंपोजिशन भी थोड़ा अलग है। गुलबर्गा तुअर दाल, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करे जाने वाली ये दाल बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, जिसमें हाई कैल्शियम और पोटेशियम कंटेंट है। इसका टेस्ट अच्छा होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा अरोमा है और ये कम समय में पकाई जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक के GI टैक्स का डिस्कशन समाप्त होता है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जेनिथ लर्निंग।